नमस्कार, स्वाद और सेहत का संगम करने वाली वेजिटेरियन रेसिपी चैनल ग्रीन किचन में आपका स्वागत है। ग्रीन किचन में आज हम बनाएंगे। नमस्कार, ग्रीन किचन में आज हम माइक्रोवेव में आलू स्टीम करेंगे। माइक्रोवेव में आलू जल्दी स्टीम हो जाते हैं। हम कुकर में आलू स्टीम करते हैं या बाहर किसी पैन में, तो उसमें मॉइस्चर छूटता है। तो जब किसी रेसिपी में हमें मैश किए हुए आलू यूज करना हो तो ये बहुत अच्छे नहीं देते। तो माइक्रोवेव में स्टीम किए हुए आलू में मॉइस्चर नहीं होता। उसका उपयोग हम ऐसी रेसिपी में कर सकते हैं जहाँ पे मैश किए हुए आलू का उपयोग करना। तो सबसे पहले हम आलू को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। हमने आलू को अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब हम इसमें फोर्क या चप्पू से इस तरह प्रिक कर देंगे। तो इस तरह हम सभी आलू में प्रिक कर लेंगे। अब हम आलू को थोड़े गीले कर लेंगे। हम एक पॉलीथीन बैग लेंगे और ये सब आलू को इसमें डाल के अच्छे से रैप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। हम पॉलीथीन बैग में गांठ नहीं बांधेंगे क्योंकि इससे ये बैग फट सकती है। तो हम इसे इस तरह माइक्रोवेव में रखेंगे। देखिए, तो अब हम ये पॉलीथीन बैग को माइक्रोवेव में रख देंगे और माइक्रोवेव के फुल पावर में इसे 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अगर आपका माइक्रोवेव ज़्यादा पावर का है तो स्टीमिंग टाइम कम दीजिए, और अगर आपके माइक्रोवेव का पावर कम है तो स्टीमिंग टाइम ज़्यादा दीजिए। इसके बाद हम आलू चेक करेंगे कि वो अच्छे से स्टीम हो गए हैं। कई बार आलू अलग टाइप के आते हैं तो उसमें स्टीम करने का टाइम भी अलग रहता है। तो 5 मिनट आलू को स्टीम कर लेने के बाद हम इसे चेक करेंगे। और ये देखिए 5 मिनट हो गई है। अब 1 मिनट के लिए आलू को हम माइक्रोवेव में ही रहने देंगे। अब हम आलू को बाहर निकाल लेंगे। और ये खास ध्यान रखेंगे कि ये पॉलीथीन बैग गर्म नहीं है ना, वो पहले हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। अगर बैग गर्म होगी तो उसकी स्टीम से हमारे हाथ भी जल सकते हैं। तो थोड़ी बैग को ठंडी होने देंगे। और ये लीजिए, हमारे आलू अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब आलू ठंडे हो जाए बाद में हम इसे छील लेंगे। तो ये लीजिए, ये आलू हमने छील के तैयार कर लिए है। अब आप इसका कोई भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, सिर्फ ग्रीन किचन में।